सिंह जी जो कि आज हमारे मुख्य अतिथि को माला अर्पण उनका स्वागत करेंगे। इस ऐतिहासिक मैदान शास्त्री भूमि पर ही सिंह चुन का माला अर्पण करते हुए अब हमारे इस कमेटी के उपाध्यक्ष मिस्टर कन्हैया राम जो कि माला अर्पण करेंगे हमारे स्वागत करते हुए स्वागत हम करें इस कमेटी के अध्यक्ष रूप के सिंह गुरु इसी बीच माला माला अर्पण करते हुए हमारे आज के महोदय हमारे साथ मौजूद रहेंगे आप बस थोड़ा सा वक्त है बना कर रखेंगे और प्यारे दर्शक हमारी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही है तो आप चले आए आपके इस शानदार इनॉग्रल मैच में प्रकाश इलेवन सुपौल वर्सेस वाईएसकेसी भीमनगर बैंड सर हमारे बीच आए सामने यहाँ पे जहाँ पे मैं नजर जोड़ता हुआ नजर आ रहा हूँ आप बैंड सर यहाँ पे चले आए क्योंकि एक रिकॉर्डिंग होगी वीडियो बनेगी और वो इतिहास के पन्ने पर दर्ज हो जाएगा वो पल आज के दो निर्णायक मिस्टर शेख अब्दुल्ला और सुनील झा जो कि आज के एम्पायर की भूमिका में ये दोनों अंपायर हमारे बीच मौजूद हो जाएं यहाँ पे बीच में मिडल में अगर कहीं तो नजर आए जी बहुत कम है इसलिए अंपायर महोदय आप आए हमारे साथ इन करें ग्राउंड में बस एक मिनट का वक्त है एक मिनट से ज्यादा का वक्त हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा विलंब भी हुआ है अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज हो रहा है वाईएसटीसी भीमनगर वर्सेस प्रकाश इलेवन सुपौल ये बड़ा मौका है ये बड़ा अवसर है चले आए हमारे इस मखमली क्रिकेट ग्राउंड में और देखिए अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला श्री वैद्यनाथ मेहता साहब हमारे बीच मौजूद है ये बड़ा क्षण बड़ा प्रश्न छोटा तालियां बजती रहनी चाहिए और चालीस पल हमारे लिए एक एक बच्चे खिलाड़ी पे आगे चले जाएंगे जी राष्ट्रीय लोक जनता दल के श्री वैद्यनाथ मेहता साहब को सम्मान के साथ कमेटी के सदस्य यहां ले आए गुजारिश इस सर को यहां लाए
राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोक जनता दल के बैद्यनाथ मेहता साहब बीच उपस्थित होते हुए ये महान पल है, ये अविस्मरणीय पल है। अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज होने जा रहा है। दो टीमें आपके बीच में, YSCC भीमनगर और प्रकाश 11 सुपर। जोरदार तालियां, स्कॉट तालियां, बच्चों के साथ खिलाड़ी भी बजाएं, स्वागत करें। जब तक वो इस पिच पर ना आ जाए तालियां बजती रहनी चाहिए। सामने देखा जो सब आदमी सामने लीजिए, यहाँ पर प्रेस, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नजर आएंगे।
फूल आ रहा है जी। सर से संबोधन के भी दो शब्द यहाँ पर हम सभी सुनेंगे, बस एक मिनट का वक्त है और एक बॉल और। जी हाँ, वक्त बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। आइए सर, एक बॉल और बल्ले पर आ जाए, एक बॉल बल्ले पर आ जाए। बल्ला जी आउट कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। चलिए आगाज होने का है, अवसर से गुजारिश है मैदान वालों से भाई के भाई को और जो युवा साथियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैं आयोजक मंडल के भी पदाधिकारी हैं, यहाँ के क्षेत्रीय वासी हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी भूमिका अदा की है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है और जो क्षेत्र के युवा साथी हैं, बच्चे हैं, स्कूल के भी बच्चे, कॉलेज के भी बच्चे यहाँ हैं, उन सबका उत्साह बढ़ाया है, उम्मीद बढ़ाया है, इसके लिए मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जो केवल एक खेल मात्र ही नहीं है, यह हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है और एकजुट होकर कैसे रहें, टीम में कैसे रहें, टीम में काम कैसे करें, यह सिखलाता है। और कई तरह के गेम हैं जहाँ इंडिविजुअल होते हैं, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं, कई दो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और सभी में जब तक सामंजस्य नहीं हो, एक टीम भावना से नहीं खेले तो इंडिविजुअल खिलाड़ी मजबूत भी हो सकते हैं, एक दो बहुत अच्छे हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, लेकिन टीम भावना से नहीं खेले तो वह टीम नहीं जीत सकती है। इसलिए जरूरत है टीम भावना के साथ खेलने की और निश्चित रूप से यह हमें जो गेम है क्रिकेट का, यह हमें एकजुट होना सिखाता है, ग्रुप में काम करने के लिए बताता है, सिखाता है और साथ ही आपस में एक दूसरे से जो प्रकार के रिश्ते होते हैं वह भी बढ़ाता है। साथ ही जो विपक्षी टीम है, क्योंकि क्रिकेट भारत के गांवों में क्रिकेट है, हर गली मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेलते हैं और यह ऐसा गेम है जो सभी लोग पसंद करते हैं, हर एक वर्ग के लोग हों, बच्चे हों, युवा साथी हों, नौजवान हों, गार्जियन भी हो, क्रिकेट की जब बात होती है उन्हें उत्साह देखते ही बनता है और आज इसलिए हम क्रिकेट में नंबर वन है पूरे विश्व में। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज जो आयोजन हुआ है, मेरा मन भी बच्चा हो गया, सबसे भी कुछ इसी तरह का दिख रहा हूँ, मैं भी आपको उम्र का हो चला। वह जो कुर्ता पैजामा जो नेता वाला ड्रेस है, हमने बिल्कुल छोड़ दिया, हमने कहा चलो बच्चों के बीच जा रहे हैं, उनके और मैं भी आपकी तरह एक बच्चा मन आ गया आज और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकाश 11 की टीम है और यहाँ की लोकल भीमनगर की टीम है, आप दोनों टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप शानदार खेल खेले और खेल भावना के साथ खेले और मैं कामना करता हूँ आप ही के बीच से कोई सचिन तेंदुलकर निकले, विराट कोहली निकले, धोनी निकले और क्षेत्र का बिहार का नाम बढ़ावे। बड़ा कष्ट होता है, कुछ साथी ने बताया था जो क्रिकेट में खेलने के लिए, रणजी खेलने के लिए अच्छे टैलेंट ही अगर हो तो वहाँ अवसर नहीं मिल पाता है, अवसर उन्हीं लोगों को मिलता है जिसकी पहुंच है
और जो अच्छे खिलाड़ी हैं गांव से उभर के निकलते हैं उनका जो है चयन नहीं हो पाता है। बिहार के टीम में रणजी टीम में दिलीप ट्रॉफी में और भी मैं आयोजक मंडल से अनुरोध भी करूंगा भविष्य में हम लोग साथ मिल करके क्रिकेट टैलेंट हंट का आयोजन करेंगे जिसमें राज्य के जो बेहतरीन टीम है अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भी बुलाएंगे और अगर कोई प्रतिभा दिखती है मैं अपने व्यक्तिगत स्तर से प्रयास करूंगा जो हमारी जान पहचान है उन्हें रणजी टीम में हिस्सेदारी मिले आईपीएल में हिस्सेदारी मिले और जगह हिस्सेदारी मिले बस समय का इंतजार कीजिए दो चार महीने और बचे हैं निश्चित रूप से बिहार के बच्चे ही इंडिया खेलेंगे आईपीएल खेलेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। सर सबसे गुजारिश की पंक्तिबद्ध हो जाए अंकित सिंह की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन राष्ट्रगान उसके बाद पंक्तिबद्ध हो जाए जैसे पहले थे। आइए सर सभी लोग पंक्तिबद्ध हो दो मिनट का मौन के लिए हम सभी दो मिनट का मौन रख रहे हैं। वक्त शुरू होता है अब मैच शुरू होता है तब साउंड सिस्टम वाले भैया बगैर व्यवधान वाला अगर किसी के पास है ओरिजिनल 55 सेकंड साउंड सिस्टम वाले के पास अगर है तो आप तैयार रख लें या मुझे बताएं कि आपके पास है तो बताएं या कोई दौड़ के जाए वहां पे लास्ट गान प्ले करने के लिए। सभी खड़े हो जाए अपने अपने से गोपाल सारे लोग जो उधर बैठे हुए हैं भाई साहब जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं खड़े हो जाए डगआउट में प्लीज राष्ट्रगान का वक्त शुरू हो रहा है और राष्ट्रगान साउंड सिस्टम वाले अगर आपके पास है तो बताएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कड़ बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे पालक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद। सुजीत झा जी हमारे बीच मौजूद हैं और खेल के नियम बताएंगे पहले उसके बाद टॉस। Yeah.
टाइम देखते हुए ना बारह में तो साढ़े बारह कोशिश करेंगे क्योंकि जितना आप फेंकेंगे उतना उतने का मैच सुपरटीम के जो टीम मैनेजर हैं प्रकाश इलेवन प्रकाश इलेवन से आग्रह करते हैं कि हमारे मंच पर आए और साथ ही हमारे पूरा शास्त्री क्रिकेट क्लब के टीम मैनेजर कॉल कौन करेगी फाइनल कॉल हो गए कहीं भी लगे हो गए फाइनल कॉल तो सुपॉल सुपॉल अजीब आपका ये आपको खेल हो जाएगा टॉस के बारे में बोले हैं सिक्का कहाँ से नहीं नहीं सिक्का इन्हीं के पास शत्रुघ्न जी की तरफ से जो बजाज शोरूम के है उनकी तरफ से सिक्का चोट कैप्टन टॉस जीतेंगे उनका ये सिक्का हो जाएगा चांदी का सिक्का ठीक है और टॉस उठाने के लिए तैयार बॉलिंग भी सिक्का के कप्तान अजुबा खान की हेड की कॉलिंग और आया है तो टॉस जीता है धीरज मंडल एससीसी के कप्तान ने आपका निर्णय क्या होगा पंद्रह ओवर का मौका दिया है आप फील्डिंग करने का आपने निर्णय लिया फिर से धोनी भाई आप वाकिफ हो गए कितने सबसे कम रन को रोकने की कोशिश होगी सही बात दिल से बोल रहे हैं जी दिल से बोल इसका मतलब आप टॉस जीत गए मैंने यही समझना किया हूँ जो मुझे चाहिए वो मिला बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं हूँ वीर शेखर अंक क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉस जीता है प्रकाश इलेवन के कप्तान अजुबा खान ने और पहले टूर्नामेंट के टॉस जीता है क्रिकेट क्लब के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का मैं भी शिक्षा बोली चलता हूँ।